तो गाइस यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेरी तरह प्रो कैसे बन सकते हो। रुको जरा, सबर करो। तो यार गाइस वेलकम है आपका स्मार्ट गेम। तो गाइस यार क्या आप लोग भी अपनी फ्री फायर के अंदर सेटिंग जमाना चाहते हो? तो यार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री फायर की कंट्रोल सेटिंग के बारे में यार अच्छे से बताने वाला हूँ कि आपको यार फ्री फायर की जो इस सेटिंग के अंदर कौन सी सेटिंग को यार ऑफ करना है, कौन सी सेटिंग को ऑन करना है, जिससे कि यार आपके भी यहाँ पे जो ओपी वाले हेडसेट लगे और आप भी यार एक प्रो प्लेयर के जैसे यहाँ पे फील करे। तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस यार, बस यार प्लीज यार वीडियो को बस पूरा देख, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो अगर यार आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जो सारी कंट्रोल सेटिंग के बारे में अच्छे से बताते हैं। तो यहाँ पे यार सबसे पहले तो हम चलते हैं अपनी कंट्रोल सेटिंग के अंदर, मतलब कि जो हमारी मेन सेटिंग होती है उसके अंदर। और यहाँ पे हमें एक सेटिंग देखने को मिलेगी कंट्रोल, उसके अंदर आपको जो काफी सारी सेटिंग वैसे तो यार देखने को मिलेगी। तो एक एक करके हम यार सभी के बारे में जो देखने वाले। तो यहाँ पे यार हम सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी एम प्रेसिजन, इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, डिफॉल्ट, प्राइस साइज, ऑन स्कोप और एक फुल। तो जब यार इसको आप जो है डिफॉल्ट पे रख के खेलते हो और जब आप यार अपने एम को यहाँ पे एनिमी के जो बहुत ज्यादा यार दूर भी लगाते हो तो जब भी आपका जो एम है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो रेड हो जाता है और जिसे आप फायर करोगे तो आपका जो एम है ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे एनिमी के ऊपर चला जाएगा। यार आपका एम है जो एनिमी के ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिकली चिपकता है, ठीक है। तो काफी यार मतलब सही सी सेटिंग है। उसके बाद जैसे आप इसको प्रिसाइज ऑन स्कोप पे रखते हो, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब हम हमारे एम को यहाँ पे बिना स्कोप के यहाँ पे एनिमी के आसपास ले जाते हो तो हमारा जो एम है यार बिना स्कोप के तो इसमें भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेड हो जाता है। बट यार जैसे हम यहाँ पे आसपास में स्कोप लगाते हैं, एनिमी के आसपास स्कोप लगाते हैं तो हमारा एम यहाँ पे जो चिपकता नहीं है, हमें खुद यार एम को जो एनिमी के ऊपर ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम जैसे इसको फुल कंट्रोल पे करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो एम है एनिमी के बहुत ही ज्यादा पास में, उसके बाद भी जो रेड नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें यार हमें जो फुल कंट्रोल करना पड़ता है। मतलब कि हमारा जो एम है यहाँ पे एनिमी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाला है, हमें इसके अंदर यहाँ पे फुल कंट्रोल करना पड़ता है। तो इसमें यार आपको हमेशा से डिफॉल्ट पे रख के खेलना है, सबसे बेस्ट सेटिंग डिफॉल्ट है जिससे कि आप यार आसानी से एनिमी को मार सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पे हमारी अगली सेटिंग आती है लेफ्ट फायर बटन, इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। जब यार हम इस सेटिंग को यहाँ पे ऑलवेज पे करते हैं तो हमारी जो कस्टम एचडी वाली सेटिंग होती है उसमें हमें जो लेफ्ट साइड के यहाँ पे जो एक लेफ्ट फायर वाला बटन देखने को मिलता है जब हम इसको ऑलवेज पे रखते हैं। जब हमें इसको यार यहाँ पे सो वेन स्कोप्ड करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट वाला फायर बटन यहाँ से चला जाएगा और जैसे हम स्कोप खोलेंगे तभी लेफ्ट वाला फायर बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो आप यार इसको यहाँ पे ऑलवेज पे रख लेना जिससे कि यार आप जो ग्लूल भी आसानी से लगा सकते हो और फार्मर्स जैसी गन यार स्पेशल यार काफी यार जो अच्छे से आप चला सकते हो। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है होल्ड फायर टू स्कोप, और जब यार हम इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन करते हैं तो जब हम कोई सी भी स्नाइपर वाली गन चलाते हैं तो जब हम यहाँ पे जो फायर करते हैं तो हमारा जो स्कोप खुलने के बाद फायर होता है, ठीक है। मतलब कि स्कोप के साथ यहाँ पे जो फायर होता है, और जब हम इसको इस वाली सेटिंग को यहाँ पे जो ऑफ कर देते हैं तो जब हम स्नाइपर वाली गन से फायर करते तो हमारा जो फायर है यहाँ पे बिना स्कोप के होगा, ठीक है। मतलब कि डायरेक्टली हमारी जो गोली यहाँ पे चले। तो अगर आप बिना रिलोड के आप स्नाइपर गन चलाना चाहते हो तो आपको इस वाली सेटिंग को हमेशा जो ऑन ही रखना है जिससे कि आप बिना रिलोड के यहाँ पे स्नाइपर वाली गन जो AWM जैसे कि यार आसानी से जो चला सके। इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है क्विक वेपन स्विच, और जब हम इसको ऑन करते तो हमारी कस्टम HD वाली सेटिंग के अंदर हमें ये वाला बटन देखने को मिलेगा जिसकी मदद से हम जो हमारी वेपन को यहाँ पे स्विच कर सकते। तो आप यार इस वाली सेटिंग को ऑन या फिर ऑफ अपने हिसाब से कर सकते हो। वैसे मैं यार हमेशा इसको जो ऑफ ही रखता हूँ बिकॉज हम यहाँ पे जो डायरेक्टली गन के ऊपर प्रेस करके हमारी जो गन को यहाँ पे स्विच यहाँ जो कर सकते। फिर हमारी जो अगली सेटिंग आती है क्विक रिलोड, और जब हम इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑन करते हैं तो हमारी जो कस्टम HD वाली सेटिंग के अंदर हमें ये वाला बटन देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप अपनी गन को रिलोड कर सकते हो। तो आप यार वैसे इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ ही रहने देना बिकॉज डायरेक्टली आप गन के ऊपर प्रेस करके अपनी गोलियों को यहाँ पे रिलोड कर सकते हो। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है रिलोड प्रोग्रेस ऑन क्रॉस एयर, तो जब हम इस वाली सेटिंग को ऑन करते हो तो जब हम यहाँ पे जो रिलोड करेंगे तो हमारे जो यहाँ पे आइकन कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। जो रिलोड आइकन है कुछ ऐसा बन के आएगा। जब हम इस वाली सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर दे तो हमारा जो रिलोड आइकन है यहाँ पे सिंपल सा बन के आएगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी यहाँ पे जो गोलियों वोलियों का यहाँ पे निशान नहीं आएगा हमारे आइकन के ऊपर, ठीक है। तो आप यार इसे अपने हिसाब से जो रख सकते। फिर इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है फ्री लुक, और जैसे हम इस वाली सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं, पैराशूट, स्प्रिंट और ड्राइव। तो इसका मतलब ये है कि जब यार यहाँ पे जो पैराशूट से आप जंप करोगे तो आपको जो साइड में ये वाला आग का निशान दिखेगा जिसकी मदद से आप जो आसपास के
यहाँ पे जो ये वातावरण को यार देख सकते हो, तो ये वाला आग का निशान आपको जो देखने को मिलेगा अगर आप पैराशूट पे इसको ऑन करते हो। और ऐसे यार इसी तरह यहाँ पे आपको जो दौड़ते हुए भी यार ये वाला आग का निशान साइड में देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप दौड़ते दौड़ते यहाँ पे जो आस पास पीछे आगे सब दूर यहाँ पे जो आसानी से देख सकते हो। ठीक है ठीक है। बटन का यूज आप जो ड्राइव करते समय भी जो यूज कर सकते हो, तो जब आप गाड़ियां वाड़ियां चलाते हो जब यार इसका बटन का यूज आप कर सकते हो, जिसकी मदद से आप यार इधर उधर आसानी से जो देख सकते हो, तो काफी ज्यादा जो है सही सी सेटिंग है। ठीक है, आप यार हमेशा से इसको ऑन के बाद गाइस हमारी अगली सेटिंग आती है ऑटो स्विच गन। और जब हम इस सेटिंग को यहाँ पे ऑन करते हैं तो हमारे सामने मतलब कि क्या होता है कि जब हम कोई मान लो कोई गन चला रहे ठीक है, और जब इसकी यहाँ पे जो एमओ पूरी खत्म हो जाती है, फिर जैसे हम यहाँ पे फायर करते तो ऑटोमेटिकली दूसरी गन हमारे हाथ में आ जाती है। ठीक है, तो इस वाली सेटिंग को यार हमेशा आप ऑन ही रखना। ठीक है, ऑटो स्विच वाली गन सेटिंग को आप ऑन ही रखना। फिर हमारी अगली सेटिंग आती है बीआर स्कोर बोर्ड। और जब हम इस सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है, होल्ड और एक आता है टेप। तो जब हम इसको होल्ड पे रखते हैं तो हमारे जो बीआर और बीआर रैंकेड मैच में जैसे हमारे फ्रेंड के नाम के ऊपर छोटा सा होल्ड करके रखते हैं तो ऑटोमेटिकली जो फ्रेंड की लूट्स वगैरह हमारे सामने जो डिटेल यहाँ पे आने लगेगी। और जब वाली सेटिंग को यहाँ पे हम जो टेप कर देते हैं तो उसके बाद हम जो जैसे हमारे जो फ्रेंड के नेम्स के ऊपर यहाँ पे सिर्फ एक टेप करेंगे, उसके बाद जितनी भी सारी जो लूट है हमारी फ्रेंड की और हमारी सारी यहाँ पे जो हमें दिखने लगेगी। वाली सेटिंग को आप ऑन जरूर से करना, जिससे कि आपको और आपके फ्रेंड की जो सारी लूट्स के बारे में पता चल जाए। फिर इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है ग्रेनेड स्लॉट। और जब हम इसको सिंगल स्लॉट पे करते हैं तो हमारे जो यहाँ पे एक ही बटन आएगा, ग्रेनेड और जो ग्लोल्स वगैरह सारों का यहाँ पे जो एक ही बटन आएगा। और जब हम इस वाली सेटिंग को डबल स्लॉट में करते हैं तो हमारे जो ग्लोल और जो दूसरे सामान है दोनों का यहाँ पे बटन अलग आएगा, एक में आपके जो ग्लोल का बटन आएगा और दूसरों में जो यहाँ पे मतलब की जो ग्रेनेड वगैरह सारे सामान का बटन आएगा। तो इस वाली सेटिंग को आप जो सिंगल स्लॉट पे रहने देना। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है ग्लोल स्मार्ट थ्रो। जैसे हम इस वाली सेटिंग को ऑन करते हैं तो हमारे सामने मतलब जैसे हम यहाँ पे जो ग्लोल वाले बटन को दबाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा ग्लोल यहाँ पे जो लग जाएगा, उसके लिए हमें जो फायर वाले बटन को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली हम जैसे ग्लोल वाले बटन को दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्लोल लग जाएगा। और जैसे इस वाली सेटिंग को हम यहाँ पे ऑफ करते हैं तो हमें जो ग्लोल लगाने के लिए पहले तो ग्लोल वाले बटन को दबाना पड़ेगा और उसके बाद फायर वाले बटन को दबाना पड़ेगा, जिसके बाद ही हमारा ग्लोल लगेगा। तो आप यार इस वाली सेटिंग को ऑफ ही रखना। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है ऑटो पैराशूट। और इसको ऑन करने के बाद क्या होगा कि जब हम यहाँ पे से जो प्लेन से यहाँ पे जो जंप करते हैं तो जंप करने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा ये वाला जो बटन है जिसकी वजह से हम नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। तो इस वाली सेटिंग को भी यार हमेशा आप जो ऑन ही रखना। ठीक है, तो काफी यार अच्छी सेटिंग है ये भी। फिर यार गाइस इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है रन मोड। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक, ड्रैग और मिड। तो जब हम यार इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे रख के खेलते हैं तो हमें सिंपल सा दौड़ने वाला ऐसा एक बटन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से हम मतलब एक बार इसके ऊपर टेप करके आसानी से दौड़ सकते हैं। जब यार इस वाली सेटिंग को हम यहाँ पे जो ड्रैग पे सेट कर देते हैं उसके बाद क्या होगा कि वो वाला बटन यहाँ से चला जाएगा और हमें दौड़ने के लिए इस वाले जो मूवमेंट वाला बटन है इसको थोड़ी सी देर ऊपर की तरफ यहाँ पे जो प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा कैरेक्टर दौड़ेगा। और जब यार इस वाली सेटिंग को हम यहाँ पे जो मिक्स्ड पे सेव कर देते तो हमारे सामने ये वाला बटन भी आ जाएगा और चाहे तो हम जो नीचे वाले मूवमेंट बटन से भी यहाँ पे जो दौड़ सकते हैं, हमारे पास दौड़ने के यहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो आप यार इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे जो रख लेना। उसके बाद गाइस हमारी अगली सेटिंग आती है व्हीकल कंट्रोल। इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 200 और एक मिलता है 100। तो जब हम इस वाली सेटिंग को 200 पे रखते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे जो गाड़ी चलाने के यहाँ पे जो टोटल चार बटन आएंगे, जिसकी मदद से आप गाड़ी को इधर उधर आगे पीछे यहाँ पे जो कर सकते हो। और जब यार इस वाली सेटिंग को यहाँ पे आप जो 100 पे सेट कर देते हो तो आपका यहाँ पे जो गाड़ी चलाने का टोटल यहाँ पे एक ही बटन आएगा और आपको इस एक ही बटन से यहाँ पे जो पूरी गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस वाली सेटिंग को आप हमेशा 200 पे ही सेट करके रखना, जिसकी मदद से आप आसानी से यहाँ पे जो कोई सी गाड़ी चला सकते। इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है इन गेम टिप्स। तो जब इस वाली सेटिंग को हम क्लासिक पे रख के खेलते हैं तो हमारे सामने क्या होगा कि मतलब जो जोन वोन की नोटिफिकेशन है, जो टाइम वगैरह यहाँ पे कुछ स्क्रीन के ऐसे आएंगे मतलब ऊपर सामने आएंगे। जब हम इस वाली सेटिंग को सिंप्लीफाइड पे सेट कर देते हैं जो टाइम वगैरह का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से चले जाएंगे और हमारी स्क्रीन पूरी यहाँ पे जो क्लियर हो जाएंगी। तो आप यार इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे ही रखना, जिससे कि हमें सेफ जोन वगैरह का नोटिफिकेशन यहाँ पे जो पता चल जाएगा। तो आप इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे ही हमेशा जो सेट करके रखना। बाद हमारी अगली सेटिंग आती है एलिमिनेशन नोटिफिकेशन। तो जब इस वाली सेटिंग को हम क्लासिक पे रख के खेलते हैं तो उसके बाद यार जब हम किसी बंदे को यहाँ पे जो एलिमिनेट करते हैं यानी कि किल करते हैं तो हमारा जो किल का लोगो एकदम से यहाँ पे जो बड़ा हो जाएगा और एकदम से यहाँ पे जो थोड़ा सा जूम हो जाएगा। ठीक है, और जब इस वाली सेटिंग को यहाँ पे सिंपलीफाइड पे सेट कर
कर देते हैं और उसके बाद जो हम किसी बंदे को यहाँ पे किल करते हैं तो हमारा जो किल का लोगो एकदम से सिंपल सा आएगा, ठीक है, कोई जूम वूम होके नहीं आएगा। तो आप इस सेटिंग को अपने हिसाब से रख सकते हो। ये बड़ी फिर इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है क्रोसेर टाइप। तो जब इस वाली सेटिंग को हम न्यू पे करते हैं तो जब हम यहाँ पे गन पकड़ेंगे तो हमारा एम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा आएगा और जैसे हम यहाँ पे जो गन को छोड़ेंगे तो हमारा एम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और जब यार हम इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे सेट कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो एम है, यहाँ पे जो गन वन का जो एम है, यहाँ पे सिंपल सा एक जैसा रहेगा, ठीक है। तो आप यार इस वाली सेटिंग को यहाँ पे न्यू पे रख लेना। उसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है डैमेज इंडिकेटर। तो जब यार हम इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे रख के खेलते हैं और जब हम किसी बंदे को यहाँ पे बॉडी डैमेज देते हैं तो हमारा जो डैमेज नंबर यहाँ पे पीले कलर का आएगा और यहाँ पे जो थोड़ा सा छोटा आएगा। और हमारा यहाँ पे जो हेडशॉट का यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़ा सा यहाँ पे जो लाल कलर का छोटा छोटा आएगा, ठीक है। और जब इस वाली सेटिंग को हम यहाँ पे जो न्यू पे सेट कर देते हैं और उसके बाद यदि हम किसी बंदे को यहाँ पे डैमेज देते हैं तो हमारा यहाँ पे जो बॉडी डैमेज का नंबर है सफेद कलर में यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा बड़ा आएगा। और जब हम किसी बंदे को इसमें यहाँ पे हेडशॉट मारेंगे तो जो लाल कलर का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो बड़ा बड़ा नंबर आएगा। तो आप यार इस वाली सेटिंग को अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे यार मैं इसे हमेशा यहाँ पे जो न्यू पे सेट करके रखता हूँ। और इसके बाद यार गाइस हमारी अगली सेटिंग आती है विजुअल इफेक्ट। इसमें हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक, डार्क और नो ब्लड। तो जब हम इस वाली सेटिंग को यहाँ पे जो क्लासिक पे रख के खेलते हैं और उसके बाद जब हम यहाँ पे जो जोन में जाते हैं तो जोन के अंदर जाने के बाद आपको जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लाल कलर का ऐसा खून यानी कि जो ब्लड देखने को मिलेगा अगर आप इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे यहाँ पे रखते हो। और जब इस वाली सेटिंग को आप यहाँ पे जो डार्क पे सेट कर देते हो और उसके बाद आप यहाँ पे जो जोन के अंदर जाते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको जो ब्लैक कलर का यहाँ पे खून यानी कि जो ब्लड देखने को मिलेगा अगर आप इस वाली सेटिंग को डार्क पे सेट करते हो तो। और जब इस वाली सेटिंग को आप यहाँ पे जो नो ब्लड पे सेट कर देते हो तो उसके बाद आप यहाँ पे जो जोन में जाते हो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे जो कोई सा भी खून आपको नहीं देखने को मिलेगा, आपकी स्क्रीन यार एकदम यहाँ पे जो क्लियर रहेगी। तो आपको यार इस वाली सेटिंग को हमेशा से यहाँ पे नो ब्लड पे ही सेट करके रखना है जिससे कि यार आपकी स्क्रीन एकदम यहाँ पे जो क्लियर रहेगी और आप आसानी से किसी भी बंदे को यहाँ पे जो मार सकते हो। चल चूट। फिर गाइस यार इसके बाद हमारी अगली सेटिंग आती है हिट मार्कर। तो जब इस वाली सेटिंग को हम क्लासिक पे रखते हैं और उसके बाद हम किसी एनिमी को यहाँ पे जो फायर करते हैं तो हमारा जो फायर का यहाँ पे जो एम है कुछ इस तरह से आता है, मतलब कि उसके अंदर जो लाल कलर की चार लाइनें आती है। और जब हम यार इस वाली सेटिंग को न्यू पे सेट कर देते हैं और उसके बाद यदि हम किसी बंदे के ऊपर यहाँ पे जो फायर करते हैं तो हमारा जो फायर का एम है कुछ इस टाइप से बन के आएगा, मतलब उसके अंदर यहाँ पे जो चार यहाँ पे सफेद कलर की लाइनें बन के आएंगी। तो आप यार इस वाली सेटिंग को यहाँ पे जो न्यू पे रख सकते हो। गाइस यार इसके बाद हमारी जो सबसे लास्ट सेटिंग आती है टीममेट इनपो। इसमें हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, क्लासिक और ट्रांसलूमेंट। तो जब इस वाली सेटिंग को हम ट्रांसलूमेंट पे खेलते हैं तो हमारे जो फ्रेंड के नेम है अगर हम पास में रहते हैं तो एकदम से यहाँ पे जो थोड़ा सा धुंधला आएगा और जैसे हम यहाँ पे जो फ्रेंड से दूर जाते जाते तो हमारे जो फ्रेंड के नेम है एकदम से यहाँ पे जो क्लियर सा और थोड़ा सा मतलब अच्छे कलर का सफेद कलर का आएगा। और जब यार हम इस वाली सेटिंग को क्लासिक पे रख के खेलते हैं तो हमारे जो फ्रेंड के नेम है गाइस एक जैसे आएंगे, ठीक है, चाहे हम फ्रेंड से दूर रहे या फिर जो फ्रेंड के पास रहे हमारे जो फ्रेंड के नेम है एक जैसे आएंगे, ठीक है, एक जैसे कलर के आएंगे। तो इस वाली सेटिंग को आप जो ट्रांसलूमेंट पे रख सकते हो। तो गाइस इसके साथ ही मैंने आपको जो सारी सेटिंग्स के बारे में बता दिया कि आप यार कौन सी सेटिंग को ऑन कर सकते हो, कौन सी सेटिंग को ऑफ कर सकते हो, कौन सी सेटिंग का क्या काम है। तो गाइस आई होप कि यार आपको जो वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज यार गाइस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके बताना कि आपको यार कौन सी टॉपिक के ऊपर जो वीडियो चाहिए। तो बाकी यार गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।